हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस चैनल में जो है रेकी हीलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि रेकी हीलिंग क्या है, रेकी हीलिंग से हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं और कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, या रेकी हीलिंग का क्या साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता है। जैसा हमने जाना कि रेकी हीलिंग का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और अभी पहले के जो भी केसेस हमने डिस्कस किए हैं पुराने वीडियोज़ में, हमने हर तरह की केसेस पर अभी बात की है कि कैसे हेल्थ के लिए रेकी हीलिंग ली जा सकती है, या जॉब के लिए, करियर के लिए, या साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, या मेंटल कोई प्रॉब्लम है, या कोई नेगेटिव कोई सोच का है, ये सब इन सभी बातों पे हम चर्चा कर रहे हैं। और सभी से ज़्यादा खास बात यह है कि रेकी हीलिंग में हम लोग एक रूट कॉज की बात करते हैं कि रूट कॉज हमें पता चलता है कि रेकी हीलिंग यदि हम दे रहे हैं और व्यक्ति हमें बता नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या तकलीफ, और भी कोई तकलीफ है, या ये तकलीफ का कारण क्या है, ये कब से शुरू हुई है। कई बार हमें वो चीज़ वहाँ तक पता चल जाती है कि वो जो ये प्रॉब्लम कब शुरू हुई थी और ये प्रॉब्लम कैसे हुई, वो ड्यूरेशन, वो भले वो 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, कभी कभी हो सकता है कि वो चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई है बॉडी में, दिमाग में कहाँ से शुरू हुई है। और वो रूट कॉज को जब हम रेकी हीलिंग देते हैं तो हमें काफ़ी बेनिफिट होने लगता है। और सबसे ज़्यादा खास बात की हम लोग आज जो चर्चा करने वाले हैं वो कुछ बच्चों को जब हम रेकी देते हैं तो उन्हें कैसा फ़ायदा मिल सकता है, या बच्चों को हम रेकी दें तो कैसे उनको बिहेवियर में हम और पॉजिटिविटी दे सकते हैं, पॉजिटिव चेंज दे सकते हैं, उनको आराम मिल सकता है, या उनके पढ़ाई में ध्यान लग सके, वो सही टाइम से सो सकें, या अच्छा खाना खा सकें, या जैसे उनकी पसंद के हिसाब से वो खाते हैं तो बेटर। यदि जो उनके लिए आपने नरिशमेंट के लिए या न्यूट्रिशंस जो उनके लिए या न्यूट्रिशियस फूड जो रखा है, जो अच्छी डाइट रखी है, वो उसे ले सकें, तो इस सब चीज़ों के लिए हम रेकी कर सकते हैं कि वो रेकी हीलिंग जब हम देंगे उन्हें तो वो हमारी बातों को थोड़ा सा समझ करके उस पॉजिटिव एनर्जी को जो हम देना चाहते हैं उनको, या अच्छे समय से उनको उनको पढ़ाई के लिए रेडी करना चाहते हैं, या हम उनको जो अच्छा फूड साथ में देना चाहते हैं, जो जंक फूड या और भी उसको थोड़ा अवॉइड करें हम, तो ऐसी हैबिट्स हम रेकी हीलिंग के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। या जैसे बहुत छोटे के में हम बात करें तो इवन प्रेग्नेंट लेडीज़ जो है उनको साथ में भी जो बच्चा है घर में उसको भी रेकी हम दें तो वो बेबी आराम से रेकी लेते हैं और वो और आसानी से रेकी ले पाते हैं। और जन्म के बाद से लेकर के जैसे हम जो थोड़े से बच्चों को जो हाँ समझाना पड़ता है, 5 से 8 साल की एज के हैं, जो 9 साल के, 10 साल की एज के बच्चे हैं, उनको अगर हम रेकी हीलिंग देते हैं तो काफ़ी उनके बिहेवियर में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, और वो उनका एक बात सुनने की, समझने की एक ऐसी क्षमता होती है कि वो अपना अच्छा बुरा और आसानी से समझ पाते हैं। तो रेकी हीलिंग काफ़ी बेनिफिशियल होती है बच्चों के लिए कि उनको हम अभी से बहुत अच्छी हैबिट्स को डेवलप कर सकें। और आज जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं वो एक रेकी हीलिंग का जो है वो केस है, बच्चे जो है बेड वेटिंग करते हैं और बिस्तर गीला करते हैं, तो उससे कई बार क्या होता है कि उनको साइकोलॉजिकली वो खुद भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, वो थोड़ा झेप आती है उनको, झिझक हो जाती है लोगों को बात करने में, या उनके पेरेंट्स उनको अगर बताते भी हैं कि ये बच्चा बेड वेटिंग करता है तो उन्हें काफ़ी दुख होता है कि हमारे बारे में कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं। तो बेड वेटिंग जब वो करते हैं तो एक अंदर से वो एक नेगेटिव उसमें रहते हैं, एक दुख रहता है उनको, तो वो उस चीज़ से बाहर निकलना उनके लिए भी वो ज़रूरी समझते, पर उनको लगता है कि शायद हम ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बेड वेटिंग होना ही है और हमें हम तो नींद में रहते हैं तो हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो है मेरे साथ में एक लेडी, उन्होंने सीखा था, उन्हीं का बच्चा था ये, पर करीब 3rd या 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था बच्चा, एज होगी करीब 8 to 9 ईयर्स के करीब करीब एज, और उन्होंने कहा कि मैं इसको रेकी देती हूँ तो वो ठीक होता है, फिर कुछ दिनों बाद फिर से बेड वेटिंग होती है, शुरू हो जाता है, और आप इसको रेकी दो। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं रेकी देता हूँ। और हम लोगों ने पहले दिन जब उनको रेकी हीलिंग बच्चे को दी तो अगले दिन ही उन्होंने पहले बताया कि आज बेड वेटिंग इसको नहीं हुई है, और वो बच्चा भी थोड़ा सा आप समझिए कि इसको चेहरे पर तो एक आत्मविश्वास दिखाई देने लगा था कि मैंने ये काम एक अच्छा काम किया है। फिर सेकेंड डे भी हमने रेकी हीलिंग दी और 3 दिन तक हमने जब रेकी हीलिंग दी तो उसको कोई प्रॉब्लम बेड वेटिंग वाला नहीं हुआ। और फिर हमने रेगुलर उसको 7 डेज तक, 14 डेज तक देते रहे, शायद 8 या 9 डे की बात है, एक बार उसको बेड वेटिंग हुई, हमने कहा कोई बात नहीं, उसका सब उसका रिकवरी कर रहा है वो, और वो रेगुलर हमने जब उसको 14 डेज तक देते रहे, उसको बाद में हम लोगों को लगा कि नहीं ब्रेक कर सकते हैं,
और फिर बाद में जब भी मेरी बात हुई तो मुझे पता चला कि वो बच्चा नॉर्मल ऐसा जी रहा है, बिल्कुल उसको कोई ऐसी तकलीफ नहीं है कि वो बेड वेटिंग कर रहा है। और उसके चेहरे में जो हम लोगों ने एक आत्मविश्वास देखा, वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न दिखाई दे रहा था और उसको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ गया था। तो हमें बहुत प्रसन्नता हुई हमारे, क्योंकि मेरे साथ की थी वो लेडी, वो सीख रहे थे मेरे साथ में, तो मुझे भी बहुत खुशी थी कि मैं एक अपने साथी के लिए, उनके फैमिली के लिए भी कुछ अच्छा काम कर पाया। और साथ में जैसे बच्चे, मैं तो नया ही था, सीख रहा था कुछ, करीब एक दो साल ही हुआ था मुझे, तो ये जब मैंने देखा कि रेकी हीलिंग का इतना इफेक्ट है तो मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई। तो रेकी हीलिंग जैसे कि आप बच्चों के विकास में हर जगह रेकी हीलिंग का प्रयोग कर सकते हैं, और रेकी हीलिंग भले थोड़ा देर लगे किसी का, किसी बच्चे के इसमें या किसी में जल्दी हो, पर आप बहुत आसानी से अपना जो टारगेट है उसको पा सकते हैं, आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको आसानी से फुलफिल कर सकते हैं। और बच्चों की जो हैबिट को बदलना चाहते हैं, आपकी बच्चे टाइम से उसको पढ़ाई को ध्यान दें या खाने सही तरीके से खाएं या इतना फूड इनको मिले या जो फूड मिल रहा है उसकी प्रॉपर एनर्जी उनको मिले, बॉडी उनका फंक्शन अच्छा रहे, उनका डाइजेशन बहुत अच्छा रहे, या डाइजेशन अच्छा रहे और नींद भी अच्छी हो तो डीप स्लीप होती रहे, तो ये बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी उनका ग्रोथ बहुत फास्ट हो रहा है और इसी में अगर डीप स्लीप उनको मिलती है या उनका जो डाइजेशन बहुत अच्छा होता है तो उनका मेंटल ग्रोथ भी बहुत फास्ट होने लगता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप रेकी हीलिंग अपने घर के लिए भी सीखते हैं, अपने परिवार के भले के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो बिल्कुल आप रेकी हीलिंग खुद भी सीखिए और अपने परिवार के लिए भी सीखिए, और सेल्फ हीलिंग करिए या डिस्टेंस हीलिंग अपने किसी और परिचित को दे सकते हैं। आप डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू किसी एक शहर से दूसरे शहर में भी आप हीलिंग कर सकते हैं, तो आप ज़रूर इसका बेनिफिट लीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि अभी आपके ये भी बहुत अच्छे कुछ पॉजिटिव अनुभव आपको देखने को मिलेंगे रेकी हीलिंग के, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।